हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। आज मैं आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा के लेथब्रिज कॉलेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट कनाडा में अल्बर्टा प्रोविंस में जाने के लिए सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कॉलेज की लोकेशन या इस कॉलेज का कैंपस कहाँ पे है। तो लेथब्रिज कॉलेज कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस के लेथब्रिज सिटी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो कनाडा का लेथब्रिज कॉलेज 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था। यह कनाडा का फर्स्ट कम्युनिटी कॉलेज है। अब हम बात करते हैं कि क्या यह पब्लिक कॉलेज है या प्राइवेट। तो यह एक पब्लिक फंडेड कॉलेज है और DLI अप्रूव है। इसका जो DLI नंबर है वो है 01939105676। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनटेक्स की। तो इस कॉलेज में जैन, मई और सेप्टेम्बर तीनों ही इनटेक्स अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों तरह के कोर्सेज ही कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की। इस कॉलेज में सभी तरह के 50+ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और बिजनेस से रिलेटेड सभी तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की कि अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रीवियस एजुकेशन में कितने परसेंट स्कोर होने जरूरी हैं। तो आपके प्रीवियस एजुकेशन में 60-70% स्कोर होने जरूरी हैं। ये स्कोर कोर्स टू कोर्स और प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिप्लोमा में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 60% होगी। बट अगर आप डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम परसेंटेज है वो 65% भी हो सकती है और 70% भी हो सकती है। ये आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है कि आपने कौन सा कोर्स चूज किया है और कौन सा प्रोग्राम चूज किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइल्स रिक्वायरमेंट की। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 6 months स्कोर होने जरूरी हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 6.5 स्कोर होने जरूरी हैं, और ईच मॉड्यूल में आपके 6 months स्कोर होने जरूरी हैं। अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 स्कोर है तो आप इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PT रिक्वायरमेंट की। अगर आपने PT की हुई है और इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 54 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टफल स्कोर की। अगर आपने टफल इंटरनेट बेस्ड टेस्ट दिया हुआ है तो आपके ओवरऑल 80 स्कोर होने चाहिए, और अगर आपने टफल का पेपर बेस्ड टेस्ट दिया हुआ है तो आपके ओवरऑल 550 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूलिंगो टेस्ट की। अगर आपने ड्यूलिंगो किया हुआ और आप लेथब्रिज कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 105 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप ड्यूरेशन की। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में 2 years का गैप एक्सेप्टेबल है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 years का गैप एक्सेप्टेबल है। बट आपने इस गैप के ड्यूरिंग क्या एक्टिविटी करी है, आपको गैप की जस्टिफिकेशन देनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो लेथब्रिज कॉलेज की जो एप्लीकेशन फीस है वो है $100 जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज से आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कितने दिन में मिल जाता है। तो लेथब्रिज कॉलेज से जो आपको लेटर ऑफ अप्रूवल है वो विदिन 15 days मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज की अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फीस कितनी है। तो इस कॉलेज की जो अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फीस है वो $13,000 है, तो जो कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में वीकली क्लासेस कितने दिनों की अवेलेबल होती है। तो लेथब्रिज कॉलेज में जो वीकली क्लासेस है वो 3-4 days की अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या लेथब्रिज कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली यस, इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर अवेलेबल है। अगर आपको यह नहीं पता कि कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि यह ऑफर लेटर आपको कब लेना चाहिए और यह क्या होता है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, वहां से जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि कंडीशनल ऑफर लेटर कब लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। तो
इस कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अवेलेबल है क्योंकि यह कॉलेज एक TLI अप्रूव्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कॉलेज से आपकी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल होंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपको कितने टाइम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकता है और यह आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या होता है, कितने टाइम का मिल सकता है और कैसे अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या लैथब्रिज कॉलेज में अकोमोडेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इस कॉलेज में अकोमोडेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, इसके साथ ही यहाँ कोऑप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लैथब्रिज कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।